कार में। अच्छा ठीक है, तो उस जमीन को जमीनिया वाले भाई लोग खरीदे थे। अच्छा, लो, हाँ, तो वो हल चलाता था यहाँ पे, जीवन साहू जी, उसे क्या नौकरी करता था, मतलब जिसने खेत किया था उसके यहाँ, और उसका फैमिली जो है बार बार घर छोड़ के भाग जाती थी। अच्छा है ना, और घर से डिस्टर्ब था परिवार से, और मतलब उन्हें से गरीबी तो था ही था, बहुत भी जरा है ना। तो उसके जो साथी लोग थे बराबर के काका भैया, उन्होंने हंसी मजाक करते थे, अरे तेरा जीवन, तेरा फैमिली घर छोड़ के बार बार भाग जाता है, अरे है ना, और यहाँ पे आते हैं हल डूब जाता है, एक काम करना भाई, ये माता रानी दिखता है थोड़ा सा, अब तो यहाँ पे हल भी चलता है, मांग ले कुछ, अगर तेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो फल चढ़ा देना। अच्छा है ना, उसको हंसी मजाक किए सामने वाले, है ना। तो एक बार किए, दो बार किए, तो बार बार मतलब लोगों के मुँह से वही बात नहीं कर रहा था। तो वो बोला ठीक है भैया, अगर आप लोग बोलते तो ठीक है भाई, अगर मैं बाप ने कुछ ना कर दी तो अपना सत्ता पर जाके उसको माँ बड़ी नाम से अपना नाम करके बोला, माँ अगर मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, मेरा फैमिली घर आ जाएगा, और मेरा कुछ परेशानी और दूर हो जाएगा, तो मैं आपको फल चलाऊँगा, है ना। आज बोला है, कल उसका फैमिली वापस आ जाए उसके गाँव, उसके माँ बाप के साथ में, लड़की संडी गाँव का है ना, वो माँ बाप के साथ में गाँव में आए, गाँव में बैठा हुआ, बार बार सुबह छोटी भागती है, क्यों भागती है जी। तो बोला मेरे को घर में डर टाइप का लगता है, कुछ आदिष्ट शक्ति दिखता है जिससे मेरे को भय लगता है। तो बोले ऐसा क्या बात हुआ जिसमें कल तक के आप आना नहीं चाहती थे और आज कैसे अचानक पहुँच गए। बोले नहीं, मेरे को रात को कुछ अच्छा सपना है, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे को अपना घर ही जाना चाहिए, जहाँ मेरा जीवन चलना चाहिए, मेरे माँ बाप जिसके साथ साथ खड़े लगवाए हैं, उन उसी साथ में जीवन अपन करूँगी, अब आज की बात घर को नहीं जाऊँगी, ऐसा करके उसका बिजनेस जो है हद उठ गई। हद उठने के 15 दिन के बाद में अचानक उसको पढ़ा लिखा था लड़का, जीवन साहू जो था, उसके लिए पढ़ा होता उस टाइम पैसा की बात है मतलब, है ना। तो वो फिर ना यहाँ उसका कॉल लेटर आ गया SSC में नौकरी, है ना। तो दाऊ को बोला, दादा मैं तो आप क्या काम कर रहा हूँ, कॉल लेटर आया है मेरा, अगर आप बोलोगे तो मैं चले जाऊँगा वहाँ, है ना, ताकि मेरा और थोड़ा जीवन अच्छा चलने लग जाए। तो बोला ठीक है बेटा, गांव में तो काटा पेली को नहीं मिलता है, जा अपने परिवार को लेके भैया जीना करो। तो उसी दाऊ ने बोलता उसको कुछ चावल वावल दाल वाल अपना सत्ता का उसको दिया, बोलता वो यहाँ से जामुन चले गया, जामुन ने कैंप बस्ती में झुंडी बना के रहा, उसके बाद में उसको काम मिल गया, और काम मिला तो ऐसे धीरे धीरे 3 महीने बाद में उसको नौकरी जो है पक्का हो गई, है ना। तो अभी उसका परिवार है, हाँ उसका परिवार है, 2 बेटा है, एक बेटा जैसे अभी जामुन में सुखपुरी में रहता है, एक बेटा रायपुर में रहता है, एक का नाम गजानन है, एक का नाम क्या नाम है वो गजानन गच्चू गच्चू बोलते हैं, और एक का नाम नहीं मालूम कंपनी है पूरा, है ना। तो जीवन साहू जो है ये कोरोना काल के बाद में ख़त्म हुए हैं, और मतलब बढ़िया सत्य मतलब वहाँ मंदिर बना है, हनुमान जी मंदिर है जामुन शिवपुरी में, जो नौकरी करते करते रिटायरमेंट हुआ वो तो वहीं रह गया, वो वहीं बस गया। तो बस वो जीवन साहू ही जो है 1 साल के बाद में आके बकरा काटा थे, पहला 13 15 बना है, मतलब गाँव के ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर में नाम मार के मेरा मनोकामना यही पूर्ण ना हुआ तो मैं यहीं पर कपड़ा मारूँगा, तो बोला जा मार ले। फिर वो धीरे धीरे गाँव भी 5 साल 6 साल यहाँ पे वो जो माता रहता है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो माता पर करवाता रहा, फिर बढ़ते गया धीरे धीरे काम गया बढ़ते गया। जीवन साहू पहला आदमी है जो माता रानी के मतलब है ना उत्पत्ति में मतलब सहयोग है ना, दाई उसको सहयोग दी तो वो उसको सहयोग दिया, और धीरे धीरे फिर गाँव वाले लोग फिर ना रुपया चारना करता था, डाल डाल के उसको बाहर करते गए। तो रजी चबूचा मतलब खेत के मैंने बैठा है, मतलब ये इस तरफ का खेत जो है एम पी शर्मा का है, उस तरफ का है के पी शर्मा का है, मतलब एम पी शर्मा बोले थे मुरली प्रसाद शर्मा, उस तरफ का है कमला प्रसाद दुबे का, दोनों सबके भाई है ना, दोनों 3 भाई हैं, उसको काका में रखता है, ये जमीन जो है 16 एकड़ का प्लाट है ना, तो 16 एकड़ प्लाट में आधी घर उधर है आधी घर इधर है, तो इधर की जमीन को दबने वालों ने खरीद लिया, तो जमीन है अभी बचा है इसमें, है ना। बस यही सब बता रही है, वो खेत के मेड़ में ना किसी खेत में नहीं है, है ना, ना किसी को आदमी नहीं है, वो सिर्फ मेड़ में ही है, एक दबाव मतलब लेफ्ट साइड में बुढ़ी साइड में है ना, तो मेड़ में ही है वो, ना इधर से इधर हुआ है ना उधर हुआ है, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा उसको उठा कर सी सीधा भर किया बस, है ना, कोशिश किया उसको आगे पीछे करेंगे लेकिन तो उसमें कुछ नुकसान होने लगा, हाँ तो फिर उसको जाता है वैसे। और वो मतलब तो पता चल गई थी ये चैनल के माध्यम से और बोल बात के माध्यम से, तो बिल्कुल आप मन इसलिए मैं और दुलार बनाए रखे रहा हूँ, बिल्कुल आप मन दर्शन करे लाओ और अपन जीवन ला धन्य बनाओ, अपन मनोकामना ला पूर्ण कराओ, यही हम मन से
निवेदन है, आप मन दर्शन जरूर करो, एक बार जरूर आओ बिल्कुल, और अपन मैं उस लार बनाए रख रहा हूँ। जय माता दी, जय श्री माता।